बनाई थी कोडिंग बैकग्राउंड वाली, वही कोडिंग है, उसी के अंदर आ गई हूँ। और मेरे पास जो हेडिंग वन है PVTC की, उसी के ऊपर मैं अपना एक नया टैग अप्लाई कर रही हूँ मार्क्यू का। इसकी भी स्पेलिंग जो है वो ख्याल रखिएगा। एक सेकेंड, इस टैग को मैंने अप्लाई किया और यहाँ किसको मैंने क्लोज करवा दिया। अब इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं। इसको सेव करवा दिया और यहाँ जाके जैसे ये PVTC यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा था, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो देखो ये स्क्रॉल करेगा पूरी स्क्रीन पर और स्क्रॉल करता रहेगा इसी तरह से। ये काम हमारा मार्क्यू के टैग से हुआ है। ये स्टॉप नहीं होगा। इसके अंदर भी हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इसका बिहेवियर दिखा दिया। बिहेवियर क्या है इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये मूव कर रहा है और कंटिन्यूसली ये स्क्रॉल करता रहेगा। अब मैं मार्क्यू के टैग के अंदर ही, अलग से कुछ नहीं अप्लाई कर रही, मार्क्यू के टैग के अंदर ही इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूँगी। सबसे पहले मैं इसका स्क्रॉल अमाउंट दे रही हूँ। सेव इट, रिफ्रेश, तो देखें कितना स्लो हो गया कंपैरेटिवली प्रीवियस वन। जो हमने पहले अप्लाई किया था सिंपल मार्क्यू लगाया हुआ था, उस टाइम पे इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। जब मैंने इसके ऊपर स्क्रॉल अमाउंट वन अप्लाई किया तो ये और ज़्यादा स्लो हो गया। 1 से लेके 10 तक हम लगा सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट। 10 दिया मैंने इसको और अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखिए कितना स्पीड अप हो गया है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इसी के अंदर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा बिहेवियर। ऑल्टरनेट मैंने किया। अभी जो इसका बिहेवियर था, पहले जो हमने टैग लगा के मार्क्यू का टैग लगा के बिहेवियर कुछ नहीं दिया था, सिर्फ हमने अप्लाई कर दिया था तो वो स्क्रॉल कर रहा था। यहाँ पर आप देखिएगा अपनी फाइल के अंदर कि स्क्रॉल का बिहेवियर गिवन है, दूसरा बिहेवियर जो है वो ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट से क्या होगा ये आप चेक कर लें और स्पेलिंग जो है वो ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं स्पेलिंग एक बार और चेक कर लेती हूँ, ठीक है। सेव करवा दिया मैंने इसको, रिफ्रेश किया तो आप इसका बिहेवियर चेक करें ऑल्टरनेट में। राइट टू लेफ्ट मूव करवाया, फिर लेफ्ट से राइट वापस जाएगा और ये पूरी स्क्रीन पर इसी तरह से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव करता रहेगा यूजिंग ऑल्टरनेट बिहेवियर, ठीक है। इसके यही एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ और भी हैं जो हमने अप एंड डाउन डायरेक्शन डिफाइन करके हम कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्शन एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैं डायरेक्शन कर देती हूँ, सेव करवाया और इसको किया तो देखेंगे लेफ्ट वो अप एंड डाउन जो है वो इस तरह से स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको अप करेंगे तब भी ये इसी तरह से बिहेवियर शो करेगा। तो बाकी के तमाम जो हैं वो आप देख लीजिएगा, हर एक के ऊपर अलग अलग जो है वो डायरेक्शंस और बिहेवियर अप्लाई करके और ये सब चेक कर लीजिएगा इसी तरह से बॉक्स के अंदर। 2 मार्क्यू हम अप्लाई करें, मतलब मार्क्यू के अंदर मार्क्यू अप्लाई करेंगे तो इसका बिहेवियर और ज़्यादा चेंज हो जाता है और आप जो है वो इसको पूरी स्क्रीन पर इस तरह से बाउंस करवा सकते हैं। बाउंसिंग की टर्म में अगर आपको चाहिए आपका बाउंसिंग की टर्म में अगर आपको आपका कोई भी हेडिंग या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ या कोई भी इमेज के ऊपर भी आप ऑल्टरनेट मार्क्यू अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक इमेज लगा रही हूँ,
PNG था, JPG था, देखा नहीं मैंने, JPG फॉर्मेट है। अब जैसे ही मेरी पिक्चर आई है तो मैं इस पिक्चर के ऊपर भी मार्कर लगा के इसको स्क्रॉल करवा सकती हूँ, मतलब पिक्चर लगाने के बाद मैंने मार्क यू का टैग अप्लाई किया और क्लोज किया, सेव इट। तो आप देखिए कि आपकी पिक्चर भी इसी तरह से स्क्रॉल करना शुरू हो जाएगी। अब इसके ऊपर जैसे हमने स्क्रॉल अमाउंट लगा दिया था तो ये तेज़ी से स्पीड जो है इसकी ज़्यादा है, जबकि इस पर स्क्रॉल अमाउंट नहीं लगाया, इट इज़ नॉर्मल स्पीड। अगर आप चाहें तो स्क्रॉल अमाउंट दोनों साथ लगा के, जैसे टेक्स्ट के साथ साथ आपकी पिक्चर भी चले आप चाहते हैं तो वो जो है आप इस तरह से लगा सकते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर बिहेवियर अप्लाई है तो ये यहाँ जाने के बाद, लेफ्ट पे आने के बाद राइट पे मूव करेंगे, लेकिन पिक्चर के ऊपर हमने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया, जस्ट मार्किंग का टैग अप्लाई किया हमने। तो ये राइट से लेफ्ट जाके दोबारा से राइट टू लेफ्ट आ रही है, जबकि ये वाला जो है वो इसका बिहेवियर हमने ऑल्टरनेट करवा दिया है। इसके ऊपर मतलब मज़ीद एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए जबकि इसके ऊपर नहीं।